इस वक्त हम लोग मौजूद है विधान मार्केट में और जैसे कि खबर मिल रहा है कि आज से विधान मार्केट जो है वो बंद होने जा रहा है। सुबह शायद 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मार्केट खुला रहेगा और उसके बाद जो है बंद रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी दुकान है वो धीरे धीरे करके एक एक करके बंद होती हुई जा रही है और हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से दुकान जो बंद हो रही है। साथ ही यहाँ के जो व्यवसायी समिति के लोग हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। और अभी जो समय हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि 6 बजकर 25 मिनट हो रहे हैं अभी और यहाँ पर संपूर्ण रूप से दुकानें एक एक करके बंद होती हुई चली जा रही है। और हम यहाँ के जो भी व्यवसायी समिति के लोग हैं सदस्यगण उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से कितने समय के लिए और कैसे ये सब दुकानें खुलेंगी और उसके बाद बंद होगा। लेकिन अभी आप फिलहाल देख रहे हैं कि सभी दुकान एक एक करके जो है वो बंद हो रही है। कुछ दुकानें जो है वो खुली है और उनको शायद नहीं पता होगा इसलिए वो अभी धीरे धीरे करके बंद कर रहे हैं। और विधान मार्केट, हांगकांग मार्केट, इधर सेंसलाल मार्केट, ये सभी मार्केट जो है वो सिलीगुड़ी के प्राण केंद्र है क्योंकि यहीं से सब लोग सामान खरीदते हैं और जो लोकल यहाँ के हैं साथ ही साथ जो बाहर से भी जो लोग आते हैं वो यहाँ से सामानों की खरीदारी करते हैं। और इस वक्त फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं विधान मार्केट से सीधे तौर पर लाइव और हम बातचीत भी करेंगे कि यहाँ के जो व्यवसायी समिति के लोग हैं उनसे कि क्या बात है, किस तरीके से कितने बजे तक कितने दूर तक खुली रहेगी। साथ ही साथ आप देखिए कि फिलहाल यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो सब लेकिन एक एक करके बंद हो रही है। और सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ये बाज़ार है, विधान मार्केट, हांगकांग मार्केट और सेठसिलाल मार्केट, जो यहीं से तीनों कनेक्ट होता है, जुड़ रहा है और जहाँ जो भी बाहर से लोग आते हैं वो भी लेकिन यहाँ से सामानों को ख़रीदारी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ जो व्यवसायी समिति के कमेटी के जो लोग जन हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, कब से कब तक कैसे बंद रहेगी दुकान? देखिए हम लोग का दुकान तो पहले हम लोग 6 बजे तक ही था दुकान, तो उसके बाद एक गवर्नमेंट से सर्कुलर आया था आने के बाद हम लोग फिर 8 बजे तक कर दिया था, खेता लोग के लिए, कस्टमर लोग के लिए जो आदमी आके सामान खरीद सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, हम लोग का जो इतना फैल रहा है कोरोना वायरस, जैसे हमारा मार्केट में अकाल तक मेरा 600-700 केस हो गया मार्केट में, इसीलिए हम लोग अभी 2 घंटा कम कर दिया है क्योंकि हम लोग जो मीटिंग दूसरे को किया था एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर का, फिर हम लोग का सोमवार को फिर मीटिंग होगा, मीटिंग के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे मार्केट को और क्या करना है। अभी फिलहाल कितने बजे से कितने बजे तक खुलेगी मार्केट? सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। शाम को 6 बजे तक खुली रहेगी। और ये ध्यान क्या आपने कोरोना को ही देख कर लिया है? हाँ, कोरोना को देख लिया। और आने वाले समय कौन चाहता है, बोलिए, इतना बड़ा मार्केट 6 बजे हम लोग बंद कर दे, कौन चाहता है? बिल्कुल सर। और आने वाले समय में क्या इसकी अवधि और कमेगी या बढ़ेगी, क्या कहेंगे? देखिए अगर हम लोग का कोरोना वायरस जितना हो रहा है, अगर हम लोग देखेंगे जो इसको, इसके लिए हम लोग को मार्केट बंद करना पड़ेगा तो मार्केट बंद कर देंगे और क्या। बिल्कुल सर, क्योंकि लॉकडाउन के समय पूर्ण रूप से बंद ही था मार्केट। हाँ, पूरा 2-2.5 महीना तक दुकान पूरा बंद था मार्केट में, कोई दुकान हम लोग खोला नहीं है, कोई दुकानदार दुकान खोल के माल नहीं बेचा है, दुकान नहीं खोला है, सब घर में ही था हम लोग। सर इसी के साथ अगर हम बात करें विधान मार्केट, हांगकांग मार्केट और सेठसिलाल मार्केट, ये तीनों लगे हुए हैं और उत्तर बंगाल की अगर बात करें तो बहुत बड़ी एक बाजार है ये मार्केट है, लोग यहाँ से बाहर से भी आते हैं कस्टमर खरीदारी के लिए और चाइनीज बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो भी यहाँ पर हांगकांग मार्केट पे मिलती है। जिस तरीके से हमने देखा कि बहिष्कार को लेकर के आपने बत लाइट को ऑफ करके मोमबत्ती जला के श्रद्धांजलि दिया था, तो क्या आने वाले समय में पूरे तरीके से मुक्त हो पाएगा चाइनीज आइटम? नहीं, हम लोग श्रद्धांजलि दिया था जो हम लोग का लद्दाख में जो हम लोग का जो भारतीय सैनिक का जो 20 देहांत हो गया उन लोग के लिए हम लोग मोमबत्ती जलाए थे। आने वाले समय में क्या चाइनीज प्रोडक्ट यहाँ से हट जाएंगे? देखिए ये तो अभी हम लोग बोल नहीं सकता, ये सेंट्रल बोलेगा, सेंट्रल क्या करेंगे, मिनिस्टर लोग क्या करेंगे, अगर मिनिस्टर लोग रप्तानी आमदानी बंद कर देंगे तो जरूर बंद हो जाएगा चाइनीज माल। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं सर, आप लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर क्या बंद हो जाना चाहिए चाइनीज सामान? हाँ, चाइनीज सामान की खरीदारी बंद हो जानी चाहिए। हमारा तरफ से हम तो बोलना चाहेंगे चाइनीज माल बंद होना चाहिए, हम लोग इंडियन प्रोडक्ट ही होना चाहिए, तो हम चाहेंगे जो हम तो भारतवासी है पहले, बाद में हम ये पहले तो हम भारतवासी है, हम तो चाहेंगे हमारा भारत का माल हमारा देश में ही बिके।
हमारा देश का माल हमारा देश में ही बिके। सर आपका नाम डेजिग्नेशन? हमारा हम बप्पी शाह है, विधान मार्केट व्यवसाय समिति सेक्रेटरी। धन्यवाद सर। तो जैसे कि यहाँ पर सेक्रेटरी साहब हमें बता रहे थे कि जो जानकारी वो दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनाया है, और इसी बीच आप देख रहे हैं कि विधान मार्केट जो है वो आज से जो है वो बंद हो रहा है। हम पूरे तरीके से नहीं कहेंगे कि बंद हो रहा है, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक बस खुला रहेगा, और इसके बाद जो है बंद रहेगा, यानी कि शाम के 6 बजे के बाद से विधान मार्केट बंद रहेगा। यहाँ पर आप भीड़ भाड़ की स्थिति जो है थोड़ी सी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा बाजार है यह, और इसके वजह से कोरोना को देखते हुए इन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं कि इसे फिलहाल के लिए जो टाइमिंग एक फिक्स की गई है, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, और उसके बाद का समय जो है वो बंद हो जाएगा। और आने वाले समय में ये लोग फिर से मीटिंग करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से इसको सुचारू किया जाए या नहीं किया जाए। अभी भी आप देख रहे हैं कि लोगों की थोड़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर इकट्ठी हो रखी है, और इसको लेकर के आगे जो भी कुछ अपडेट्स हमें मिलेंगे वो हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। सिलीगुड़ी से नेहा गुप्ता, SK लाइव।